प्रिय विद्यार्थियों, कादंबरी के शूद्रक वर्णन का अध्ययन करते हुए पूर्व वीडियो में यह बताया था कि संग्राम रूपी रात्रियों में शत्रुओं की जो लक्ष्मी है वह अभिसारिका के समान राजा शूद्रक के पास स्वयं बार बार आया करती थी। अब इसके आगे का वर्णन पढ़ रही हैं। यस्य च हृदय स्थितान्नपि भार्त्रेण दिक्षसूरेव प्रतापानलो वियोगिनी नामपि रिपु सुन्दरीणाम् अन्तर्जनिताहो दिवानिशं जज्ज्वालः। जिस राजा का प्रताप रूपी अनल से अति प्रबल वह जो अग्नि के समान दाहक है उस प्रताप से पति विहीना भी, क्योंकि उनके पति शूद्रक राजा के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे, इसलिए वियोगिना अपि वियुक्त हुई रिपु सुंदरी नाम रिपु शत्रुओं की सुंदरियों के अंतर्जनित हृदय में केवल जो स्मृति मात्र में ही रह गए थे, ऐसे वर्तमान पतियों को दाह अंतर्जनित दाहो अंतर्जनित जो दाह हृदय में जो पतियों को जलाने का इच्छुक सा जिस राजा शूद्रक का हृदय में जलन उत्पन्न करने वाला प्रताप रूपी अनल रात दिन जलता रहता था। पुनः देखिए, वियोगिनाम अपि पति विहीना होने पर भी, क्योंकि उनके पति शूद्रक राजा के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे, रिपु सुंदरी नाम अंतर्जनिता शत्रुओं की सुंदरियों के हृदय में जो केवल स्मृति मात्र में ही वर्तमान थे, उन पत्तियों को जलाने का इच्छुक सा जिस यस्य यानी जिस शूद्रक का हृदय स्थितानाम अपि हृदय में स्थित होता हुआ भी जलन स्थितानाम अपि भर्तु स्थित हुए पतियों को हृदय में जलन उत्पन्न करने वाला प्रताप रूपी अनल रात दिन जलता दिवानिशम अर्थात रात दिन जज्ज्वाल जलता रहता था। अब इसके आगे का वर्णन। यस्मिनश्च राजनि जीत जगति परिपाल्यति महीम चित्रकर्मशु वर्णसंकरः रतेषु केशग्रह काव्येषु दृढबन्धा शास्त्रेषु चिंता स्वप्नेषु विप्रलम्भा छत्रेषु कनकदण्डा ध्वजेषु प्रकम्पा गीतेषु रागविलसितानि करीषु मद्विकारः चापेषु गुणच्छेदा गवाक्षेषु जालमार्गा शशीकृपाण कवचेषु कलंका रतिकलहेषु दूतसंप्रेषणानि सार्यक्षेषु शून्यग्रह न प्रजाना मासन। जीत जगति अर्थात संसार को जीत लेने वाला महीम पृथ्वी का पाल्यति पालन करते होने पर भी और जो जगत को जीत लेने वाले जिस राजा शूद्रक के पृथ्वी का पालन करते होने पर भी चित्र कर्मश
चित्र कर्मशु वर्ण संकरा, नील पीताती रंगों के मिश्रण से चित्र रचनाओं में ही था। जगत को जीत लेने वाला जिस राजा शूद्रक के पृथ्वी का पालन करता होने पर भी नील पीतादि रंगों का मिश्रण केवल चित्र रचनाओं में ही था। अर्थात प्रजाजनों में ब्राह्मण आदि वर्णों में अनुलोम प्रतिलोम विवाह आदि के द्वारा वर्ण संकरता नहीं थी, वर्ण संकरता केवल चित्र रचनाओं में ही थी। रतेषु केश ग्रह, रति काल में ही केश पकड़े जाते थे। प्रजाजनों में कलह आदि के कारण एक दूसरे के बाल पकड़कर नहीं खींचे जाते थे। काव्येषु दृढ़बंधा, काव्यों में ही दृढ़बंध होता था। समासाधिक्य के कारण काव्यों में ही पदों का प्रगाढ़ सन्निवेश था। प्रजाओं में अपराध प्रवृत्ति नहीं होने के कारण काराग्रहों में दृढ़ता पूर्वक बंधन नहीं था। शास्त्रेषु चिंता, चिंतन मनन केवल शास्त्रों में ही होता था। प्रजाओं में भोजन आदि की चिंता नहीं थी क्योंकि सभी संपन्न थे। स्वप्नेषु विप्रलम्भा, स्वप्न में ही विप्रलम्ब होता था, प्रिय वियोग होता था। प्रजाओं में प्रिय वियोग नहीं था। छत्रेषु कनक डंडा, सोने के डंडे राज छत्रों में ही थे। प्रजाओं में अपराध न होने के कारण किसी से भी दंड नहीं लिया जाता था। ध्वजेषु प्रकंपः, अधिक कंपन कहाँ था, झंडों में ही था। हिलना डुलना झंडों में ही था। प्रजाओं में भयवश कोई भी कंपन नहीं था। गीतेषु राग विलसितानि, राग रागनियों के प्रयोग गीतों में ही देखे जाते थे। प्रजाओं में राग द्वेष आदि की चेष्टाएं नहीं थी। करेषु मद विकारा, मज्जल के कारण विकार गजों में ही थे। प्रजाओं में अंधकार आदि जनित विकृत चेष्टाएं नहीं थी। चापेषु गुणच्छेदा, धनुषों में ही डोरियां काटी जाती थी। प्रजाओं में दया उदारता आदि गुणों का खंडन नहीं था। क्योंकि सभी गुणवान थे। गवाक्षेषु जाल मार्गा, जालियों के मार्ग हवा आने के लिए जो झरोखों में ही थे। जाल मार्गा शशि कृपाण कवचेषु, कलंक या मलिनता केवल चंद्रमा में ही देखी जाती थी। कृपाण और लोह कवचों में ही थी। रति कलहेषु दूत संप्रेषानी, प्रजाओं में कुल दोषादि के कारण कलंक नहीं था। दूतों का भेजना केवल रति काल में ही देखा जाता था। प्रजाओं में युद्धादि के समय संधि विग्रह आदि के लिए दूत नहीं भेजे जाते थे। सारे क्षेषु शून्य ग्रह, न प्रजानाम आसन। प्रजाजनों में खाली घर नहीं थे। शतरंज आदि खेलों में ही प्रयुक्त गोटों में ही खाली स्थान देखे जाते थे। प्रजाजनों में कोई भी गृह त्याग
नहीं करता था क्योंकि राजा से सबको आश्रय प्राप्त था। इस गद्य भाग में श्लेष का वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर वर्णन है। संक्षिप्त बड़ी बातों को किस तरह से संक्षेप में लिखा जा सकता है, इसका भी यह बहुत सुंदर उदाहरण है। पुनः देखिए, यस्मिनश्च राजनी जीत जगति परिपाल्यति महीम चित्र कर्म सुवर्ण संकरा। जीत जगति, जगत को जीत लेने वाले कौन है? यस्मिनश्च राजनी, जिस राजा शूद्रक के, महीम पृथ्वी का, परिपाल्यति पालन करते होने पर, नील पीतादि रंगों का मिश्रण केवल चित्र रचनाओं में ही था। रतेषु केशग्रह, रति काल में ही केश पकड़े जाते थे। प्रजाजनों में कलहादि होने के कारण एक दूसरे के बाल पकड़कर नहीं खींचे जाते थे। काव्येषु दृढ़बंधा, समास का आधिक्य होने के कारण पदों का प्रगाढ़ सन्निवेश काव्यों में ही था। प्रजाओं में अपराध प्रवृत्ति न होने के कारण बंधन नहीं था, दृढ़बंध नहीं था। शास्त्रेषु चिंता, चिंतन मनन शास्त्रों पर ही था। प्रजाओं में भोजन आदि की चिंता नहीं थी क्योंकि सभी संपन्न थे। स्वप्नेषु विप्रलंभा, विप्रलंब है ना, यानी स्वप्नों में ही था बिछुड़ना। यह जो बिछुड़ना है वह कहाँ था? स्वप्नों में ही था, प्रजाओं में प्रिय व्यूह नहीं थे। छत्रेषु कनक डंडा, सोने के डंडे राज छत्रों में ही थे। प्रजाओं में अपराध न होने के कारण किसी से दंड के रूप में सोना नहीं लिया जाता था। ध्वजेषु प्रकंपा, कंपन ध्वजा में ही था, झंडों में ही था। प्रजाओं में भयवश कांपना न था क्योंकि अपराध का अभाव होता था, इसके कारण प्रजाओं में भय नहीं होता था। गीतेषु राग विलसितानि, राग रागनियों का प्रयोग गीतों में होता था। प्रजाओं में राग द्वेष आदि की कोई भी चेष्टा नहीं होती थी। करेषु मद विकारः, मज्जल के कारण विकार गजों में ही थे। प्रजाओं में अंधकार आदि जनित विकृत चेष्टाएं नहीं थी। चापेषु गुणच्छेदा, धनुषों में ही गुणच्छेदा डोरियां काटी जाती थी। प्रजाओं में दया उदारता आदि गुणों का खंडन नहीं था क्योंकि सभी गुणवान थे। गवाक्षेषु जाल मार्गा, जालियों के मार्ग हवा आने के लिए झरोकों में ही थे, गवाक्षों में ही थे। प्रजाओं में जाल छल कपट आदि के रास्ते नहीं थे क्योंकि सभी सत्व स्वभाव वाले थे। शशि कृपाण कवचेषु कलंका, कलंक या मलिनता केवल चंद्रमा में थी। कृपाण कवचेषु, कृपाण और लोहू कवचों में ही थी। कलंक मलिनता चंद्रमा में थी, कृपाण में थी और लोह कवचों में थी। प्रजाजनों में कुल दोष आदि के कारण कलंक नहीं थे। रति कलहेषु दूत संप्रेषणानि, दूतों का भेजना केवल रति कलह में, रति काल में प्रणय कलों में ही था। प्रजाओं में युद्धादि के समय संधि विग्रह आदि के लिए दूत नहीं भेजे जाते थे। सार्यक्षेक्षु शून्य ग्रह न प्रजानाम आसन, शतरंज आदि खेलों से युक्त गोटों से ही खाली स्थान देखे जाते थे। प्रजाजनों में खाली घर नहीं थे,
क्योंकि राजा से सबको आश्रय प्राप्त था। यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।